हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन भी बोलते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट को इनवर्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, और उसके बाद हम लोग सम्स बनाएंगे। सो पहले मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, नंबर ऑफ बुक्स और यहां पे कॉस्ट। अगर एक बुक का दाम रुपीज 400 हो तो 5 बुक्स का दाम क्या होगा? ये तो हम लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं। यूनिटरी मेथड का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो देखिए, इसमें आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाइएगा तो आराम से ये बन जाता है। एक बुक खरीदने के लिए 400 रुपीज लगता है, तो 5 बुक्स खरीदने के लिए प्राइस और ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। तो ये प्राइस यहाँ क्या हो रहा, ये बढ़ रहा। जब यहाँ नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। 5 × 20 मतलब 2000 रुपीज लग जाएगा। देखिए क्या हो रहा, नंबर ऑफ बुक्स जैसे ही इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जब भी और इसको बढ़ा लेते हैं 10 बुक्स, सो फिर प्राइस क्या होगा, प्राइस भी और इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4000 रुपीज। तो देखिए हो रहा है क्या कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जब एक साइड का वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरे साइड का भी वेरिएबल इंक्रीज होता है, मतलब दोनों साइड इंक्रीमेंट हो रहा है। जब दोनों साइड इंक्रीमेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे सम्स बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसी सम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, यहां पे मान लीजिए मुझे 7 बुक्स का दाम खोजना है। सो हमको नहीं पता है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे लेट। अभी आसान क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ बुक्स, जैसे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, इधर भी ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/7, देखिए फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट बाय सेकेंड ईयर। सो यहाँ पे हो गया 400/x। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हो जाएगा x और यहाँ हो गया 2800। तो 7 बुक्स का प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज 2800। सो ये हो गया एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग समझते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग सम्स बनाएंगे। सो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 वर्कर्स है। 5 वर्कर्स कितना दिन समय लेते हैं काम को पूरा करने के लिए, कुछ भी नंबर ऑफ डेज लिख दीजिए, 10 डेज। 5 वर्कर्स टेक 10 डेज। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 3 वर्कर्स, 5 वर्कर एक काम को करते हैं, कितना समय लगाते हैं, 10 दिन लेते हैं एक काम को कंप्लीट करने में। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, कम कर दिए, तो जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज कर देंगे उधर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही मैन पावर कम होता है नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहां पे मैन पावर डिक्रीज हो गया, 5 था पहले अभी 3 हो गया, तो यहां क्या नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा दिन लगेगा। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल।
सो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए यहां पे हमको नहीं पता है क्या होगा आंसर, इसको x मान लेते हैं, यहां ब्रैकेट में लेट लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए करना क्या है, जो वेरिएबल अननोन है उसको हम लोग जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 10 अपॉन x इज इक्वल टू, अब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो यहां 5 अपॉन 3 नहीं लिखेंगे, इस टाइम क्या होगा, ये नीचे वाला बिकम्स द न्यूमरेटर एंड द टॉप नंबर बिकम्स द डिनोमिनेटर, इसको हम लोग कर देंगे 3 अपॉन 5। या फिर एक एरो मेथड भी बोल सकते हैं, जब आप ऐसे एरो बनाते हैं तो जो एरो का हेड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो एरो का हेड होता है वही क्या होता है, उसी के पास वाला नंबर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर, और बॉटम वाला डिनोमिनेटर। यहां देखिए एरो का हेड यहां पर है तो दिस बिकम्स न्यूमरेटर और ये बन जाता है डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहां पे देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ये भी क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इक्वल्स x इज इक्वल टू 10 5 जा 50 अपॉन 3, सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18 2 अपॉन 3। अभी ये 16 डेज लग रहा है और 2 अपॉन 3, इसको क्या करेंगे 24 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर्स निकल जाएगा, 3 8 जा 24, सो 16 डेज एंड 16 आवर्स। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, सम्स की तरफ मूव करते हैं, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं एंड देन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व देम। कभी कभी तीन आ जाते हैं वेरिएबल्स, एक वर्कर इतना घंटा काम करता है इतने दिनों के लिए, सो मेनी वर्कर्स विल वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स फॉर सो मेनी डेज। सो ऐसा भी जब भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं सम्स बनाता हूं तो देन यू विल अंडरस्टैंड दैट। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ कार ट्रेवल्स 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो पहला काम डिस्टेंस, डिस्टेंस और यहां पे क्या है पेट्रोल, डिस्टेंस कितना है 67.5 किलोमीटर, पेट्रोल 4.5 लीटर। नेक्स्ट वाले में दिया हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल, दिया हुआ नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं लेट, और ये यहां पे हो जाएगा 26.4 लीटर। अभी देखिए 4.5 लीटर अगर पेट्रोल है तो ये जाता है 67.5 किलोमीटर, अगर जितना पेट्रोल था उससे ज्यादा पेट्रोल अगर हम डालते हैं कार में तो डेफिनेटली कार और ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, मतलब जब हम पेट्रोल का अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ जा रहा, मतलब दोनों का दोनों क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो ये देखिए यहाँ पे जब हम इसको इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो जब ये दोनों साइड एरो ऑफ द हेड बोथ आर गोइंग अप मतलब, और बोथ विल कम डाउन, डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन विल बी ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एरो हेड का डायरेक्शन, तो ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्या होगा 67.5 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 4.5 अपॉन 26.4, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इज इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाइड बाय 26.4 अपॉन 4.5, ये डेसिमल गया यहाँ से डेसिमल गया, ये डेसिमल जाएगा एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 9 जा 45 0, इसको करते हैं 5 से, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा
5 18 5 2 10 3 5 7 35। अब ये फिर 9 से चला जाएगा, 9 2 18 9 3 27। ये 2 से जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 2 4। सो 132 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 9 3 1 3। सो अगर हम लोग कार में 26.4 लीटर पेट्रोल देते हैं तो कार विल ट्रेवल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 396 किलोमीटर। समझ में आया? अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 4 men take 3 hours टू पेंट अ वॉल, हाउ मच टाइम वुड 6 men take टू डू द सेम जॉब। सो यहां पे मैन और यहां पे टाइम, 4 men और कितना आवर्स लिया, 3 hours। दे टेक 3 hours टू कम टू पेंट अ वॉल। अगर उसी वॉल को पेंट करना है और नंबर ऑफ मैन हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, 4 से 6 कर देते हैं, तो टाइम क्या होगा? अगर मैन पावर बढ़ जाता है तो टाइम डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैन, टाइम इज डिक्रीजिंग। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट कर देंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एक्स हम लोग मान लेते हैं और क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल, मैंने बताया जो एरो का हेड है वही न्यूमरेटर होगा। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं 3x/3 इज इक्वल टू, आप यहाँ कर दीजिए 4/6। आप ये कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही कॉपी कीजिए 3/x और इसको इन्वर्स कर दीजिए 6/4, एक ही बात है। सो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 4 × 3/6। सो 3 1 3 2 2 2, सो वी गेट 2 hours, ठीक है। सो अगर हम लोग नंबर ऑफ मैन 4 से इंक्रीज करके 6 कर देते हैं तो उस वॉल को पेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ 3 hours दे विल नीड 2 hours टू कम टू पेंट दैट वॉल, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इट टेक्स 8 days फॉर 12 men टू कंप्लीट अ जॉब, हाउ मेनी मैन शुड बी पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द वर्क इन 6 days। कभी कभी होता क्या है, इन डे टू डे लाइफ हम लोगों को कुछ काम करवाना होता है और एक डेडलाइन होता है कि इस टाइम तक हमको ये कंप्लीट करवाना है, और जितने भी लोग लगे होते हैं उनसे काम हम लोग जब देखते हैं कि स्पीड थोड़ा कम है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कितना नंबर ऑफ मैन लगाना है और उसमें लगा देंगे कि काम रिक्वायर्ड टाइमिंग पे खत्म हो जाए। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहला काम मैन और यहां पे डेज, कितना मैन है, 12 men, हाउ मेनी डेज दे टेक, 8 days। और दूसरा वाला हम लोग को खोजना है, 6 days यहाँ है और खोजना है नंबर ऑफ मैन, इसको मान लेते हैं। अभी देखिए 8 days 12 men, और जब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है मैन पावर ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज हो रहा है। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर से हम लोग एरो हेड को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। So 12/x will be equal to, यहाँ हो जाएगा 6/8, inversely proportional, और देखिए arrowhead 6/8। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 12 × 8/6, 6 2 12, 2 8 16 men। सो वी नीड 16 men, 12 men था, 4 और हम लोग ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड टाइम पे इन 6 days द वर्क विल गेट ओवर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 8 taps फिल अ टैंक इन 27 मिनट्स, इफ द 2 taps गो आउट ऑफ ऑर्डर, दो नल खराब हो गए।
सो क्या होगा, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द सेम टैंक। उसी टैंक को भरने के लिए 6 नल चल रहा है, अभी 2 खराब हो चुके हैं, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे टैप्स, और यहां पे टाइम, 8 टैप्स 27 मिनट्स, और वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज 6 टैप्स आर देयर, सो एक्स लेट। अभी ध्यान से सुनिएगा, 8 टैप्स टेक 27 मिनट्स, जैसे ही 2 टैप खराब हो जाते हैं, नंबर ऑफ टैप्स डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ टैप्स डिक्रीजिंग, सो टाइम क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, सो टाइम इज इंक्रीजिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, विच मीन्स देखिए, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 अपॉन एक्स, फॉलो द एरो हेड एंड मेक द न्यूमरेटर, और यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 6, 3 टू ज़ा 3 नाइन ज़ा 2 फोर ज़ा 8, 9 फोर ज़ा 36, सो ये इट विल टेक 36 मिनट्स, 36 मिनट्स लगेगा, 6 टैप्स क्या करेंगे, टाइम को फिल कर देंगे। समझ में आया, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अ हॉस्टल हैज फूड फॉर 250 स्टूडेंट्स फॉर 12 डेज, 12 दिनों तक के लिए खाना है, कितने बच्चों के लिए, 250 बच्चों के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ 50 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, 50 और छात्र, 50 और स्टूडेंट्स आके ज्वाइन करते हैं, अब फूड कितने दिनों के लिए चलेगा। सो सबसे पहला काम, स्टूडेंट्स और यहां पे डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले था 250 और 12 डेज के लिए फूड था, अब क्या हो गया, 50 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, 250 प्लस 50, सो 250 प्लस 50 विल बी इक्वल टू 300, और यहाँ पता नहीं है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो 12 दिनों तक चलता है, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया, वो तो खाना क्या होगा, ज़्यादा खाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया तो ज़्यादा फूड कंज्यूम होगा, तो कम दिनों के लिए चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है तो डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये क्या है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एरो मेथड को फॉलो करेंगे, हेड ऑफ द एरो बिकम्स न्यूमरेटर, एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 250 अपॉन 300, हम लोग क्या करते हैं, यहां से रिड्यूस कर लेते हैं, 5 5 5 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 6, 6 टू जै 12, सो आया कितना, 10 डेज, सो यहाँ पे हो जाएगा 10 डेज के लिए खाना चलेगा इफ देर आर 300 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 80 सोल्जर्स हैड फूड फॉर 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ 20 मोर सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज, थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट डिफिकल्ट। सो सोल्जर्स, और यहां पे डेज, अब देखिए कितने सोल्जर्स थे, 80, और फिर कितना ज्वाइन किए सोल्जर्स, 20 मोर, सो यहां पे 80 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 100 सोल्जर्स, 80 सोल्जर्स का कितना, 60 डेज का फूड था, मगर कितने दिनों, आफ्टर 15 डेज इतने सोल्जर्स, मतलब 15 दिनों तक 80 सोल्जर्स दे हैड देयर फूड, सो 60 से 15 को माइनस कर देंगे, कितना आया 45, सो अब जो 45 डेज बचा हुआ, 15 डेज तक तो उन्होंने खा लिया,
बट स्टिल 80 सोल्जर्स हैड फूड फॉर 45 डेज, इसलिए ये 45 लिए और यहाँ 100, ये नहीं पता है x। अभी देखिए हो क्या रहा है, नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इज गोइंग अप एंड सो नंबर ऑफ डेज, जैसे नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर आदमियों का संख्या बढ़ रहा है, तो फूड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, सो क्या हो गया, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरो को फॉलो करेंगे, 80/100 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा x/45, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा 80/45/100, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 5 9 2 4 4 9 36 डेज। अभी क्या हो गया, जब नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज हो गया सो दैट फूड विल लास्ट फॉर 36 डेज, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इफ 8 लेबर्स कैन अर्न ₹9,000 इन 15 डेज, हाउ मेनी लेबर्स कैन अर्न ₹6,300 इन 7 डेज। यहां देखिए लेबर्स और क्या है, अमाउंट और तीसरा क्या दिया हुआ है, डेज। ध्यान से देख लेंगे, सो नंबर ऑफ लेबर्स कितना है, 8 लेबर्स, उसके बाद पूछता है हाउ मेनी लेबर्स, यहां एक्स, अमाउंट ₹9,000 और यहां 6,300, 15 डेज और नेक्स्ट दे रहा है 7 डेज। अभी हम लोग को ये 3 दिया हुआ है तो देख के घबराना नहीं है, किसी एक को हाइड कर देना है जो अननोन वेरिएबल है, यहां एक्स, एक्स इज अननोन वेरिएबल, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट। सो क्या होगा, इससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, फिर इससे इसको कंपेयर करेंगे, दैट्स इट। सो आइए देखते हैं, अमाउंट 9000 है, ठीक है, 9000 कमाने के लिए 8 लेबर्स, सो अगर 6300 कमाना होगा तो कम लेबर्स होगा तभी तो कम इनकम होगा, ज्यादा लेबर्स होगा तो ज्यादा इनकम कर लेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ 9000 है, यहाँ 8 है, 6003 है तो यहाँ भी कम होगा, सो यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। अभी देखिए 8 लेबर्स को काम करने में 15 डेज लगता है तो यहाँ 7 डेज है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स क्या हो रहा है 8 और यहाँ पर 8 से क्या हो रहा है 15 डेज लग रहा है, 7 मतलब कि यहाँ ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा पक्का, तो यहाँ पे लेबर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, सो सेकेंड वाले में ये इंक्रीज कर रहा है। सो अभी देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाला को इसके साथ करते हैं, एरो हेड को फॉलो करते हैं, फर्स्ट वाला x/8 विल बी इक्वल टू, ये भी डिक्रीज हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सो 6300/9000 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सेकेंड वाला क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो फिक्स हो गया, लिख दिए, अब इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 15/7 है, यहाँ पे हो जाएगा 15/, यहाँ था x/8 तो वहां हो जाएगा 15/7, रिवर्स कर दिए, अब 2 जीरोस कैंसिल, 7 9 63 9 10 5 2 5 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो x इज इक्वल टू 8 × 3 डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 4 सो हम लोग को 12 लेबर्स लगेगा, 12 लेबर्स, अगर 12 लेबर्स होगा सो दे विल अर्न ₹6,300 इन 7 डेज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 3 टाइपिस्ट वर्क 8 आवर्स अ डे, मतलब 8 घंटा करके एक दिन में काम करता है, और एक डॉक्यूमेंट को टाइप करके कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 10 डेज में,
इफ ओनली टू टाइपिस, अब एक नहीं है दो टाइपिस आर वर्किंग, हाउ मेनी आवर्स अ डे दे शुड वर्क टू कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज, उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे टाइपिस्ट आवर्स और यहां पे डे। सो कितना टाइपिस्ट था, 3 और नेक्स्ट टाइम 2, ये 8 आवर्स काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग से पूछ रहा है एक्स, इसको मान लेंगे और थर्ड वाले में यहाँ पे 10 डेज और यहाँ पे 12 डेज। फिर से जो अननोन है उससे इसको कंपेयर करेंगे और इसी से फिर इसको कंपेयर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 3 टाइपिस्ट वर्किंग फॉर 8 आवर्स एक काम को कंप्लीट करने के लिए। अब नंबर ऑफ टाइपिस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा डेफिनेटली। चलिए 8 एरो को फॉलो करते हैं, 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इससे इसको कंपेयर करते हैं, दूसरे कलर से कर देता हूं। अब देखिए 8 आवर्स करके काम करते हैं तो 10 डेज में काम, 10 डेज काम करने के लिए 8 आवर्स, अगर 12 डेज करेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, मतलब डेज जब इंक्रीज होगा तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे तो इसको हम लोग फिर वापस घुमा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इनवर्स करना है। यहाँ पे एरो को फॉलो कर रहे हैं, 10 अपॉन 12 होना चाहिए, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे 12 अपॉन 10, सो हो जाएगा 12 अपॉन 10। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 4 जा 2 5 जा 4 अपॉन 5, सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 5 अपॉन 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 10 आवर्स। सो मतलब अगर 2 टाइपिस्ट अगर काम करेंगे तो उनको 10 आवर्स करके काम करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन काफ़ी आसान है, अगर आप फॉलो कीजिए ये एरो मेथड, ये काफ़ी आसान हो जाता है। सो अगेन आई हैव अ मैसेज फॉर यू, गिव योर बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू, थैंक यू सो मच।